नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो थोड़ा बहुत अलग होगा। यूजुअली हम लोग जियो पॉलिटिक्स या सनातन या फिर डिफेंस से रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो कनाडा से संबंधित है, और उसमें भी खास करके जो लोग कनाडा जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी स्टूडेंट वीजा पर जाने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं, पीआर या वर्क परमिट पर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खास वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, ताकि आप सभी को पता चल सके कि आप किस जगह पर कैसी जगह पर जा रहे हैं, और आप लोगों को या फिर आपके बच्चों के लिए कैसी कैसी चीजें हैं जो वहां पर खतरा बनकर खड़ी हुई है। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें ज्यादा हम खालिस्तानी एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी बात है, और उसमें भी खास करके एक ऐसी चीज को डिक्रिमिनलाइज करने की बात चल रही है वहां पर कैनेडा में, और कुछ जगहों पर ऑलरेडी वो हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये वीडियो हम लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग पिछले 12 साल से वीजा कंसल्टिंग के बिजनेस में थे, जिसमें हमने स्टूडेंट्स कई सारी अलग अलग कंट्रीज में भेजा, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, पोलैंड है, फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसी कई सारी जगहों पर हमने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा के बेसिस पर भेजा है। जब भी हम किसी स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं तो हम लोग ये खास देखते हैं कि वो स्टूडेंट के क्रेडेंशियल्स क्या है, साथ ही में वो जो कंट्री में जाना चाहता है उन कंट्रीज उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो उस स्टूडेंट के लिए चैलेंजेस बनकर निकल सकती हैं। उसके बाद हम लोग एक एनालिसिस प्रेजेंट करते थे, और उसके बाद ही अगर वो स्टूडेंट अग्री करता था, उसके पेरेंट्स अग्री करते थे, तो उसके बाद ही हम लोग उस स्टूडेंट की जो फाइल है उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते थे। तो ये हमारी एक बहुत ही फिक्स्ड प्रैक्टिस थी जिसके ऊपर हम लोग चलते थे, तो उसी के बेस पे हम लोग काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली इन चीजों पर स्टडी करते आए हैं, जिसमें कनाडा बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता था, जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ही भारी मात्रा में जाना चाहते थे, क्योंकि पीआर के जो वहां ऑप्शंस हैं वो काफी इजी हैं, और साथ ही में यूएस के लिए भी वो एक ट्रांजिट कंट्री जैसा बन जाता है कि लोग वहां पर कनाडा में पीआर लेकर बाद में यूएसए में शिफ्ट हो जाते थे, तो उसके लिए कनाडा एक हॉट फेवरेट कंट्री था, आज भी है, और उसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हमने भी कनाडा के लिए की है। उसके लिए हमने कॉन्स्टेंटली कनाडा को स्टडी किया है पिछले काफी लंबे समय से, और रिसेंटली लेकिन ये जो वीडियो आया है उसमें कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है, वो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स भी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब स्टूडेंट या कोई भी फैमिली किसी भी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का प्लानिंग करता है, तो उन लोगों के लिए वहां पर बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। अब उन चैलेंजेस में यूजुअली जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो मेन होते हैं, फिर जो मॉनिटरी एस्पेक्ट होता है खास करके जो इनिशियल टाइम में वो एक होता है, तीसरा एक लैंग्वेज बैरियर होता है, और उसके अलावा कुछ इधर उधर की चीजें होती हैं जो उन अलग अलग कंट्रीज में एक काइंड ऑफ हर्डल बनकर उभरती है। लेकिन जब अगर बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में ये एक ऐसा पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली, जिसके चलते वहां जो भी लोग जा रहे हैं, उसमें भी खास करके जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो हाल ही में स्कूल पास करके वहां पर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कॉलेज पास करके वहां पर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर सकता है, क्योंकि उससे उन लोगों का जो कैरियर है वो पूरा तबाह हो सकता है। अब ऐसी क्या चीज है, तो हमारे यहां पर भारत में भी ऐसे कई सारे इलीगल सब्सटेंसेस हैं, नशीले पदार्थ हैं जो बैन हैं, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है चिट्टा, जो कि हरियाणा और पंजाब में मिलता है और उसका कंजप्शन काफी ज्यादा है। साथ ही में कोक है, जिसको मॉली भी कहते हैं, एमडीएमए है, जिसको एक्सटेसी कहते हैं, ये सब जो नशीले पदार्थ हैं वो भारत में उपलब्ध हैं, और कई सारी ऐसी जगहें हैं, कई सारे ऐसे सिटीज हैं, खास करके जो बड़े सिटीज हैं और कुछ स्टेट्स हैं, जहां पर ये काफी ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो भारत की जो एजेंसीज हैं वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली क्रैकडाउन्स करती हैं, और कई सारी अलग अलग जगहों से उनके जो तस्कर हैं, जो भी स्मगलर्स हैं, उन लोगों को खोज निकालती है, उन लोगों को कैप्चर करती है। लेकिन भारत में अभी भी ये बात बहुत ही अच्छी है कि ये जो सभी सब्सटेंसेस हैं, जो भी नशीले पदार्थ हैं, उन लोगों के सेवन के ऊपर प्रतिबंध है, और जिसके पास भी ऐसा कोई भी पदार्थ अगर छोटी बड़ी मात्रा में मिल जाता है, तो भी उन लोगों को काफी ही हार्श पनिशमेंट दी जाती है। तो उसी के चलते ये एक डेटरेंस भारत में अभी भी उपस्थित है, जिसके चलते जिसको सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही सीमित है।
कॉलेजेस में ये लोग एंटर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल और क्रैकडाउन कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। इसी के सामने कैनेडा में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां वहां पर खड़ी हो रही थी। वहां पर भी ऐसे लोग हैं, ऐसे पूरे पूरे गैंग्स हैं जो वहां पर इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो मॉली हो, चाहे वो एक्सटेसी हो, चाहे वो और कोई भी द्रव्य हो, और कोई भी नशीला द्रव्य हो, उसको बेचने के लिए अंडरग्राउंड एक पूरा रैकेट चलता है, जिसमें कई सारी जगहों पर ये खालिस्तानी जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन कैनेडा में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें से ये पता चला है कि कैनेडा में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इन नशीले द्रव्यों को लीगलाइज करने की, डीक्रिमिनलाइज करने की, नॉर्मलाइज करने की मुहिम छेड़ी गई है। जी हाँ, ये जो नशीले पदार्थ हैं जो सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को और अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन लीगल किया जा रहा है वहां पर कैनेडा में, उसमें भी खास करके ब्रिटिश कोलंबिया में और न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में। उसके कई सारे एग्जांपल्स हैं और साथ ही में उनकी जो वहां की अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे कि सीबीसी हो गई, ब्रिटिश कोलंबिया की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है। तो इसी के चलते कैनेडा में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा होने वाला है, और वो खड़ा किया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के ऊपर वहां पर एक ग्वेन नामक एक महिला है जिन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया की एक निनाइमो करके हॉस्पिटल है उसके बाहर एक वेंडिंग मशीन से इस नशीले द्रव्य को कंज्यूम करने के लिए जो किट मिलती है या फिर बनाई जाती है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हुए एक वीडियो बनाया है। देखिए वो वीडियो। Let's go get a free crack pipe and cocaine smoking kit. So now we can learn how to snort cocaine with this informational video right here. So I'm outside the Nanaimo Hospital and I was able to get a crack inhalation kit and a cocaine snorting kit. Unfortunately, the crack pipes were out, which is no surprise because crack pipes can be traded for drugs. All of these items you can get for free at a vending machine located just directly over there outside of the Nanaimo Hospital emergency room. तो जैसे कि आपने देखा, ग्वेन ने निनाइमो हॉस्पिटल के बाहर एक वेंडिंग मशीन लगा था, वहां पर जाके उसने वहां पर कुछ बटन्स प्रेस किए और उसके बाद तुरंत ही कुछ ही समय में उसको वहां पर ये जो ड्रग कंजम्पशन किट है वो अवेलेबल हुई। और वो सिर्फ ड्रग कंजम्पशन किट ही नहीं बल्कि उस वेंडिंग मशीन के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी, एक्सप्लेनर वीडियो भी चलाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि इस सब्सटेंस को, इस नशीले द्रव्य को किस तरह से कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है। इसके बारे में बाबा रामदास ने कुछ समय पहले बात की थी, बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामदास जो कि एक अखाड़े के संत हैं, उनका एक चैनल चलता है बाबा की करी खोटी, तो उसके ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ महीनों पहले एक वीडियो किया था कैनेडा में जो ये नशीले द्रव्यों का सेवन हो रहा है और उसको जिस तरह से विस्तृत किया जा रहा है उसके बारे में उस वीडियो में उन्होंने बात की है। वहां पर किस तरह से लोगों को ट्रैप में लिया जाता है, खास करके ऐसे विद्यार्थियों को जो कि वहां पर जस्ट पहुंचे हैं, उन लोगों को कैसे इसका सेवन करने के जाल में फंसाया जाता है, और बाद में अगर वो महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं, तो उन लोगों के पास प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है, उन लोगों को वेश्यावृत्ति में भी इन्वॉल्व करवाया जाता है। वो जो पर्टिकुलर वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर खास करके आप कैनेडा जाने वाले हैं अगर, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनको अगर कैनेडा भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बात खास
ध्यान में रखनी है, और वो वीडियो भी आप खास देखें ताकि आपको पता चले कि कैनेडा में किस प्रकार की प्रैक्टिसेस चल रही है। अब ये जो प्रैक्टिसेस है उसमें गुजराती बहुत ही कम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहां पर एक गुजराती कम्युनिटी का भी होल्ड है, उनका भी एक अलग कल्चरल एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, और साथ ही में यहां पर जो उन लोगों का अपब्रिंगिंग होता है उस समय भी उन लोगों को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए माँ बाप भी अपने हिसाब से प्रयत्न करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी प्रयत्न करता है, और साथ ही में जो स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली कार्यरत रहते हैं। तो उसी के चलते गुजराती स्टूडेंट्स जो भी वहां पर जाते हैं या फिर गुजराती फैमिलीज जो भी वहां पर जाती है वो इससे कम प्रभावित होती हैं, लेकिन जो खास करके पंजाबी स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं और दिल्ली से जो स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं, मुंबई से जो स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं, उन लोगों के ये चीजें बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी वो चीजें उन लोगों के पास बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। कुछ बच्चों को माँ बाप इसलिए खास भेजते हैं कि वे लोग ऐसे सब्सटेंस अब्यूज में, ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन अल्टीमेटली वहां जाकर भी वे लोग उसी एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं, और वहां पर जाकर बाद में उन लोगों का जो यहाँ के परिवार है उनके, उससे उन लोग का संपर्क छूट जाता है, उससे वे लोग संपर्क नहीं करते हैं। कुछ केसेस में संभवतः वे लोग गिल्ट फील करते हैं, तो प्रॉब्ली उसकी वजह से वे लोग अपने परिवार से संपर्क तोड़ देते हैं यहाँ पर, या कुछ केसेस में वो लोग ज्यादा ही ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं और वे लोग वोकरी और उस प्रकार के जो प्रोपोगेंडास चलाए जाते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जो परिवारों को तोड़ते हैं, ऐसे एजेंडास में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो अपने परिवार से, वो अपने घर वालों से, यहां तक कि अपने माँ बाप और सगे भाई बहनों से भी दूर हो जाते हैं, उनसे नाता तोड़ देते हैं। तो इसी के चलते ये एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है जो वहां पर डेवलप हो रही है। जैसे कि हमने बताया, ब्रिटिश कोलंबिया की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक्स हैं व्हाट इज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पीपल हु यूज ड्रग्स, साथ ही में वैंकूवर के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और उसके अलावा न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर, जहां पर यह बताया गया है डेटा में से कि पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर प्रोविंस में 100 जितने लोग मौत को प्राप्त हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो नशीले पदार्थों के ट्रैप में फंस, उसके जाल में फंस पिछले एक ही साल में 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन फिर भी वहां पर कनाडा में इस प्रकार की मुहिम छिड़ी हुई है कि लोग अपने घर में बैठकर इस प्रकार के नशीले पदार्थों का अगर सेवन करें तो उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं लगना चाहिए, कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो उसको वहां पर कनाडा के समाज में नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो अगर आपका बच्चा या फिर आपकी फैमिली वहां पर शिफ्ट होने का प्लान कर रही है तो बहुत ही सोच समझ कर जाएं, पूरी तफ्तीश कर जाएं, पूरा रिसर्च कर जाएं, ताकि आपको ये बात का पता हो किस तरह से कहां ऐसी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, कैसी जगहों से दूर रहना है, कैसी जगहों से अपने बच्चों को दूर रखना है, और अगर संभव हो तो कनाडा जाना इन रीसेंट टाइम्स पूरी तरह अवॉइड करें। बहुत सारी अन्य कंट्रीज हैं, अगर आपको बाहर जाना ही है या फिर अपने बच्चे को भेजना ही है तो ऐसी कुछ सिलेक्ट कंट्रीज हैं जहां पर उनको भेज सकते हैं। कनाडा के लिए फिर से एक बार हम कहेंगे, 100 बार सोचकर पूरा अपना रिसर्च कर जाइए, और बाबा की खरी खोटी चैनल पर जो वो पर्टिकुलर वीडियो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर जरूर देखें। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े, उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम लोग 10 करोड़ हिंदू राष्ट्रवादी लोग कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का खुद का एक वॉइस हो, जिसको हम चाहे किसी की भी सरकार उसके हम लोग प्रेशर बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का और हमारे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े अगर आप सनातनी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो। और ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको पता था ये जो सब्सटेंस अब्यूज है, जो नशीले द्रव्यों का सेवन है, उसको ऑलरेडी कुछ जगहों पर कनाडा में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है उसके बारे में, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा कोई अगर ऐसे प्रोविंसेस हैं या फिर कोई ऐसे अलग कंट्रीज हैं जहां पर जाने वाले लोगों को ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य लोग भी उसको पढ़ सके, जान सके और उसके हिसाब से अपने स्टेप्स ले सके, डिसीजंस ले सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।